बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ दुरूद सलाम। आज की मेरी वीडियो ट्रस्ट वैलेट के मुतल्लिक है, तो इसके ये वीडियो कि ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट किस तरह बनाना है और इसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ट्रस्ट वैलेट है क्या। ट्रस्ट वैलेट एक किस्म का वैलेट है, इसमें हम क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी फर्म से, किसी भी प्लेटफॉर्म से या किसी भी पर्सन से क्रिप्टो करेंसी बाई करते हैं, तो फिर आप उसको किसी न किसी वैलेट में स्टोर करते हैं। तो उन वैलेट्स में से एक ट्रस्ट वैलेट है जहाँ पर हम करेंसी को स्टोर कर सकते हैं, और इसमें बेशुमार करेंसीज हैं। इसमें आप असिस्टेंट वन प्लेस है, तो इसमें आप BNB, बिटकॉइन और बहुत सारी जो है वो प्लेटफॉर्म से, ETM वगैरह से भी आप करेंसी जो है वो क्रिप्टो करेंसी इसमें सेव कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको ट्रेड असिस्ट का भी प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। इसके अलावा आपको ये डिसेंट्रलाइज ऐप्स जैसे कि मेटाफोर्स हो गया, उसके बाद और भी इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं जो डिसेंट्रलाइज काम कर रही हैं, तो इनमें भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर मुहैया करता है। तो इसको आपने क्रिएट किस तरह करना है, सबसे पहले तो आपने ये क्रिएट ए न्यू वैलेट पर आ जाना है, जहाँ पर ये इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से आगे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपसे वो एक एग्रीमेंट ले रहा है, यानी कि आपको ये बताना चाह रहा है कि इफ़ आई लास्ट माई सीक्रेट फ्रेज माई फंड्स विल बी लास्ट फॉर एवर। अगर आप अपना सीक्रेट फ्रेज, यानी कि जो नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेज का आना है जिसमें एक कोड आएगा, उस कोड को अगर आप भूल गए हैं, तो फिर आपका जो अकाउंट है या आपका जो फंड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसको भी हमने क्या करना है, चेक कर लेना है। इफ़ आई एक्सपोज आर शेयर माई सीक्रेट फ्रेज टू एनी बॉडी, अगर मैंने किसी दूसरे शख्स को अपना सीक्रेट फ्रेज जो है वो शेयर किया, तो फिर भी मेरा फंड क्या आएगा वो टूट सकता है, स्टोलन यानी कि ख़त्म हो सकता है। इसको भी आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आगे है जी, ट्रस्ट वैलेट सपोर्ट विल नेवर रीच आउट टू आस्क फॉर इट, और जो ट्रस्ट वैलेट है वो इसके मतलब किसी से भी पूछ नहीं सकते। तो ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट पर आपने क्या करना है, चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपने इसको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक 12 नंबर्स पर मुश्तमिल फ्रेज आ जाएगा। तो इसमें आपने इसकी जो ऑर्डर है, यानी कि इसकी जो तरतीब है, वो आपने याद रख लेनी है। तो इसको आपने क्या करना है, किसी वर्ड पैड में, किसी आपने कापी पे, नोटबुक पे या आप डायरी पे, किसी कहीं ना कहीं इसको आपने सेव कर लेना है। तो ये सेव करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको पहले कापी कर लेते हैं। कापी करने के बाद इसको आप किसी भी जगह पर, प्लेटफॉर्म पर आप इसको सेव कर सकते हैं। हाँ जी, अब इसका मैंने कोड सारा लिख लिया है, फ्रेज का लिख लिया। अब हम क्या करने हैं, कंट्री पे क्लिक कर देना है। तो कंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे वो जिस ऑर्डर से आपने उसको सेव किया, जिस ऑर्डर से तरतीब से आपने उसको सेव किया, तो आपने क्या करना, उसी तरतीब से आपने उसको यहाँ पर क्लिक करते जाना है। यानी कि अगर पहले नंबर पर मेरे पास यहाँ पर वेस्ट है, तो क्या है यहाँ पर ये वेस्ट इस जगह पर है, तो हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले क्लिक कर देना है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद दूसरे का ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑलवेज पे दूसरे नंबर ऑलवेज है, तीसरे नंबर पर मॉडरेट है, चौथे नंबर पर गैलरी है, पांचवें नंबर पर फिस्काल है, छठे नंबर पर ड्रेस, सातवें नंबर पर यूजेज, आठवें नंबर पर हॉस्पिटल, नौवें नंबर पर नाइट, दसवें पे गोज, ग्यारहवें पे गैलरी और बारहवें पे ब्लाइंड। तो यहाँ पर ये वेल डन का ऑप्शन आ गया, तो इसका मतलब हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सक्सेस हो गया है। उसके बाद आपने नीचे जो डन लिखा हुआ नीली पट्टी पे, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
जब आप इसके क्लिक करेंगे तो ये फ़ौरन जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ट्रस्ट वैलेट का। तो यहाँ से आप कोइंस को बढ़ा भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक ट्रस्ट वैलेट का ऑथेंटिक आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो गया है। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कोइन सेलेक्ट करने है या आपने किसी कोइन को ड्रा करना है या इसमें ऐड करना है, तो फिर आपने क्या करना है, ड्रा करना है या इसमें ऐड करना है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है ऐड टोकन पर। एक यहाँ पर लिखा हुआ है और एक यहाँ पर ये बैटरी के नीचे निशान बना हुआ है। इन दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ऐड टोकन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो बेसिक चार कोइन दिए हुए हैं, जैसे कि ये BTC हो गया, ETH हो गया, ETH, BNB बीकन चेन आ गया, उसके बाद BNB स्मार्ट चेन आ गया, तो इनको हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से ड्रॉप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये क्लिक कर देंगे और इसको भी बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे, और अपनी मर्ज़ी का जो भी आप यहाँ से सर्च करना चाहते हैं तो सर्च बार में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैटिक्स लिख लें, अब ये मैटिक्स में आ गया, मैटिक में आ गया। तो मैटिक में ये बहुत सारे ऑप्शन पड़े हैं, तो इनमें से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये पहला पॉलीगॉन मैटिक है, उसके बाद ये वीनस मैटिक है, उसके बाद ये बहुत सारी इनके RC20 आ गया, BEP20, SPL मैटिक आ गया। किसी को भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। अगर आपने जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करना है आगे करेंसी ट्रांसफ़र करने के लिए, तो फिर आपने उसी नेटवर्क को यूज़ करते हुए आपने वो क्रिप्टो जो है वो आपने ओके करनी है। तो यहाँ पर ये मैटिक का पॉलीगॉन है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो जब हम ऑन करेंगे तो बैक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ओके हो जाएगा। तो इस तरह हम कामयाबी से इसका अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपने इसमें कोई कॉइन परचेज़ करना है, यानी कि किसी फर्म से आपने का ख़रीदना है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आप आ जाएं बाई के ऑप्शन में। तो जब हम बाई करेंगे तो ये बाई के ऑप्शन पे आपको ले जाएगा। आप यहाँ पर कोई भी आप पॉलीगॉन खरीदना चाहते हैं तो जो ऑप्शन आएगा आपने क्या करना है, उसको क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास बायोमेट्रिक जो है वो आपको बाइनांस के ज़रिए से कनेक्ट करेगा, फिर थर्ड पार्टी जो प्रोवाइडर वो आपको क्या करेगा, $150 में आपको 180 मैट्रिक देगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना, तो ये आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देगी बाइनांस के साथ। दूसरा तरीका आपको बताता चलूँ, वो ये है कि आपने इस पे क्लिक कर देना है रिसीव पे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, कोई भी आप चाहे BTC को ख़रीदना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से आपने नीचे ऑप्शन आ जाएगा, तीन ऑप्शन आएंगे, एक हमारे पास कॉपी का आएगा, और दूसरा हमारे पास ये आ जाएगा, तीसरा हमारे पास शेयर आ जाएगा, चौथा जो है वो आपके पास स्क्रीनशॉट ये वाला आ जाएगा। तो चार ऑप्शन है, इनमें से आप किसी एक को भी सिलेक्ट करते हुए आगे जहाँ से आपने जिस फर्म से आपने परचेज़ करना है उसको शेयर कर दें, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अगर आपने फ़रोख्त करना है तो किस तरह करना है, फ़रोख्त करने के लिए यहाँ पर आपने सेंड पे आ जाना है, जिसको भी आपने सेंड करना है तो यहाँ पर आपने सेंड पे आ जाना है और उसको ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए फिर वही जैसे आप रिसीव करते हैं, तो रिसीव करने के लिए यहाँ पर हमने उसका ऑप्शन दे देना, उसका ट्रस्ट वैलेट का जो कोड है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना। तो टाइप करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सर्च कर लेना है, वो आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। नेक्स्ट ऑप्शन में या नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको मेटाफोर्स के मतलब एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसके बारे में गाइड करूँगा।